एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के बीच का विवाद अब अदालत में पहुंच चुका है। इस बीच ज्योति के पति ने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि होमगार्ड में जिला कमांडेंट मनीष दुबे से ज्योति का अफेयर चल रहा है और ये दोनों मिलकर ज्योति के पति आलोक की हत्या भी करवा सकते हैं। दूसरी तरफ पति पत्नी और वो की इस कहानी में वो यानी मनीष की पत्नी ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये पारिवारिक मसला है, हम सुलझा लेंगे, बाहरी किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मनीष दुबे की पत्नी ने मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर इस पूरे मसले पर कोई भी बयानबाजी करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका पारिवारिक मसला है, वो इसे खुद हल कर लेंगे। दरअसल आलोक की शिकायत पर प्रयागराज के डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य के साथ साथ मनीष दुबे की पत्नी को भी नोटिस देकर बुलाया है, दोनों से जवाब देने के लिए कहा गया है। इस पर मनीष दुबे की पत्नी ने कोई भी बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई बात नहीं करना चाहती, यह हमारे घर का मसला है, पारिवारिक मसला है और हम इसे परिवार में ही संभाल लेंगे, मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूँ। ज्योति के पति आलोक की शिकायत पर डीजी होमगार्ड बी के मौर्य ने मनीष के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं और इस जांच की जिम्मेदारी होमगार्ड के डीआईजी संतोष सिंह को दी गई है। इसके तहत डीआईजी ने ज्योति को भी नोटिस देकर अपना जवाब देने के लिए या बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। लेकिन इन सारी बातों के बीच ज्योति ने जो जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने इस पूरे जांच का लिखित में जवाब दिया है और कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये मामला अदालत में भी चल रहा है, इसको लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वो कोर्ट में ही अपना पक्ष रखेंगी। और इस तरह उन्होंने होमगार्ड विभाग द्वारा शुरू की गई एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बयान देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें जो भी बयान देना है, जो भी अपनी बात रखनी है, वो कोर्ट के सामने ही रखेंगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।